द्वारा जहां पर संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे राहुल गांधी, जहां पर इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ह्यूमन राइट लीगल नेटवर्क ने सम्मेलन का आयोजन किया है। तो देखिए, प्रयागराज के दौरे पर हैं राहुल गांधी और इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ह्यूमन राइट लीगल नेटवर्क ने सम्मेलन का आयोजन किया है। प्रयागराज के दौरे पर हैं राहुल गांधी और धीरेन्द्र दवा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या अपडेट है राहुल गांधी के दौरे को लेकर? आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास है धीरेन्द्र? देखिए, राहुल गांधी अब थोड़ी देर बाद ही प्रयागराज पहुंचेंगे। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का जो सभागार है उसमें जो संविधान सम्मेलन किया जा रहा है उसमें वो बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर सम्मिलित होंगे। 1 बजे से ये सेशन शुरू हो गया था और शाम 5 बजे तक ये पूरा सेशन चलेगा। जो समापन समारोह होगा उसके मुख्य अतिथि राहुल गांधी होंगे। अब से थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे। हालांकि अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर ली गई है। जो उनके समर्थक है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, फिर गेट के बाहर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। जो पास वाले जो पास धारक हैं उन्हीं को ही प्रवेश दिया जा रहा है। तो इस तरह पूरा यहाँ पर जो उनके समर्थकों, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो बाहर गेट पे एमए के जो सेंटर है उसके बाहर वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे नहीं। अब से थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे। जिस तरीके से संविधान का सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उस संविधान सम्मान सम्मेलन के बतौर मुख्य अतिथि समापन समारोह में वो शिरकत करेंगे। जिस तरीके से पूरे यूपी से जो आदिवासी या अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तमाम ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया है। इस समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश भर से तमाम ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ पर ये सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे। और जिस तरीके से यहाँ के अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद है और सभी लोगों को इंतजार है अब राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी को सुनने के लिए सभी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी, हालांकि चुनाव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी पिछले लोकसभा के चुनाव में आप देखा था कि संविधान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने रैलियों में तमाम ऐसे रैलियों में अपनी बातें कही थी और आज उसी को संविधान सम्मान सम्मेलन का जो आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है तो उसको सियासी माने भी तमाम निकाले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं और किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट होते हैं और किस तरीके से अपना जो संबोधन है वो करते हैं। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में संविधान की बात को लेकर लगातार वो रैलियों में बात करते रहे और उसका उनको फायदा भी मिला है, तो अब उसी को लेकर संविधान सम्मान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है अब उसमें थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे। जी धीरेन्द्र, क्या इस दौरे को राजनीतिक दौरा भी कहा जा सकता है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस को बड़ी सफलता हाथ लगी है फूलपुर वाली सीट की अगर बात की जाए तो, और उसके बाद अगर देखा जाए कि संविधान को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने निशाना साधा, जिस तरीके से संविधान को एक मुद्दा बनाया, जिस तरीके से कहा गया कि अगर बीजेपी 400 पार सीट लाती है तो संविधान बदल देंगे, जिस तरीके से मुद्दा भी बनाया गया, अब आने वाले समय में उपचुनाव भी है, क्या इसको राजनीतिक दौरा भी कहा जाए क्या? देखिए, निश्चित तौर पे हालांकि जो पार्टी के लोग हैं उनका यह कहना है कि एक ऐसे एनजीओ है जो इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, ह्यूमन लीगल नेटवर्क जो है, ह्यूमन राइट लीगल नेटवर्क जो है वो इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसके तमाम ऐसे सियासी मायने भी दिख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अब यूपी में उपचुनाव होना है और प्रयागराज में भी फूलपुर में उपचुनाव होना है, तो ये दौरा तमाम ऐसे भले लोग पार्टी के लोग उसको सियासी दौरे के रूप में ना कह रहे हो, लेकिन साफ तौर पर यहाँ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कार्यकर्ता उमड़ी है, भीड़ उमड़ी है, जो लोग आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि निश्चित तौर पे दौरा सियासी जरूर होगा। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका धीरेन्द्र। चलिए खबरों में आगे